मुंबई में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। धारचूला से लगातार चुनाव जीतने वाले हरीश धामी की नजदीकियों के बाद कांग्रेस में बेचैनी सी बढ़ गई है। विधायक हरीश धामी के देहरादून में बीजेपी के नेताओं से मिलने की खबर ने राजनीति में नए संभावनाओं को जन्म दिया है। मामले में राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले हरीश रावत ने चुप्पी साध रखी है। तो मुंबई में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। धारचूला से लगातार चुनाव जीतने वाले हरीश धामी की नजदीकियों के बाद कांग्रेस में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं से धामी ने बढ़ाई है नजदीकियां। लगातार वो एक एक करके बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। विधायक हरीश धामी के देहरादून में बीजेपी के नेताओं से मिलने की खबर ने राजनीति में भी नया भूचाल पैदा कर दिया है। मामले में राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले हरीश रावत ने भी चुप्पी साध रखी है। तो आपको मुलाकात की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में खास है, पर इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुलाकात कई मायनों में खास है, पर इस मुलाकात का क्या मकसद माना जाए? देखिए, अगर कहा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी रोचक घटना इन दिनों हो रही है। जिस तरीके से हरीश धामी ने कांग्रेस में बगावत करते नजर आ रहे हैं, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी मुलाकात लगातार बीजेपी के नेताओं से हो रही है। या फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार पहले के एस पवार से उन्होंने मुलाकात की, फिर उसके बाद अब जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो उत्तराखंड के एक बड़े नेता भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो भले ही उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी हो, उनसे मुलाकात करने के बाद से उत्तराखंड के जो हलके हैं, राजनीतिक हलके, उसमें काफी चर्चाएं हो रही कि आखिरकार अपनी पार्टी में बगावत के सुर और दूसरी पार्टी के तमाम नेताओं से गलबैया क्यों हरीश धामी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आश्चर्य की स्थिति है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हरीश धामी का क्या मोटिव है इनसे मिलने का, क्या वो चाहते हैं, अब क्या राजनीति में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है या फिर पार्टी छोड़ने की, जो जिस तरीके से हरीश धामी पहले ही घोषणा कर चुका है कि मैं जल्द ही पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, तो क्या वो अपना दूसरा कोई राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार देखा जाता है कि ये मुलाकात कई बार हलचल पैदा कर देती है, कई प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती है, पर ऐसे में हरीश रावत जो हर बात पे कुछ ना कुछ कटाक्ष बोलते ही हैं, पर ऐसे में उनका चुप रहना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से हरीश रावत के खेमे के ही माने जाते हैं और हरीश रावत को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं हरीश धामी, तो ऐसे में अगर उनके चेले इस तरीके की बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलना, सीएम के सलाहकार से मिलना या फिर तमाम लोगों से मिलने की जो उनकी लगातार कोशिशें जारी हैं, हरीश रावत उस पर कुछ बोले नहीं है अभी तक, वरना सोशल मीडिया में वो कोई ना कोई बयानबाजी तो करते ही रहते थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या हरीश रावत इसको लेकर कोई कमेंट करते हैं या नहीं, लेकिन हरीश धामी ने बिल्कुल हलचल तो मचाई हुई है जो तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से वो लगातार पंकज जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, तो आने वाले मुलाकात की कोई अपडेट है क्या कि आने वाले समय में वो कुछ और बड़े नेता से मिल सकते हैं? इससे कोई मनाही नहीं की जा सकती कि वो दिल्ली में भी हो सकता है बीजेपी के कुछ और नेताओं के संपर्क में भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनका कांग्रेस से मन खट्टा हो चुका है तो क्या वो अपना कोई राजनीतिक भविष्य दूसरी तरफ देख रहे हैं, क्या धारचूला में बीजेपी की भी नजर हरीश धामी पर है, तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी हरीश धामी के जो ये जिस तरीके से मिलन चल रहा है बीजेपी के नेताओं से, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के कहीं ना कहीं उनके लिए संशय की स्थिति तो है ही कि हरीश धामी आखिरकार करना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात ही होगी कि क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।